बॉलीवुड में राज 3, क्रिएचर 3D जैसी कई फिल्में कर हॉरर फिल्मों का ट्रेंड लौटाने वाली बिपाशा बसु आज अपना 41वां जन्मदिन मना रही हैं। बिपाशा को हॉरर क्वीन कहा जाता है। बिपाशा को सिर्फ यही नाम नहीं मिला बल्कि उन्हें बचपन में लेडी गुंडा भी कहा जाता था, जिसका खुलासा एक इंटरव्यू में खुद अभिनेत्री ने किया था। इस एक्ट्रेस ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी कर 1996 में कोलकाता से मॉडलिंग करियर की शुरुआत की। उसी दौरान कोलकाता में उनकी मुलाकात एक्टर अर्जुन रामपाल की पत्नी और उस वक्त की सुपर मॉडल मेहर जासिया से हुई, जिन्होंने बिपाशा को गोदरेज सिंथोल सुपर मॉडल कंटेस्टेंट में हिस्सा लेने के लिए इनकरेज किया। बिपाशा की किस्मत ने उनका साथ दिया और उन्होंने वो कॉन्टेस्ट जीत भी लिया। इसके बाद उन्हें विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना के साथ फिल्म हिमालय पुत्र में एक्टिंग का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने अपनी कम उम्र के कारण वो किरदार निभाने से मना कर दिया। दरअसल उस वक्त बिपाशा 18 साल की थी, मगर फिर उन्होंने 2001 में फिल्म अजनबी से अपनी एक्टिंग की शुरुआत की और पहली फिल्म में ही उन्होंने करीना कपूर खान के साथ पंगा ले लिया। जी हाँ, अजनबी में बिपाशा बसु के साथ करीना कपूर लीड रोल में थी, जबकि अक्षय कुमार और बॉबी देओल भी बतौर लीड एक्टर फिल्म का हिस्सा थे। फिल्म के सेट पर ही बिपाशा और करीना की कैट फाइट शुरू हुई, जिसे आज भी याद किया जाता है। दरअसल फिल्म के सेट पर करीना कपूर और बिपाशा बसु की जोरदार लड़ाई हुई थी। रिपोर्ट्स की माने तो लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि करीना ने बिपाशा को जोरदार तमाचा जड़ दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं सालों पुराना वो किस्सा। दरअसल इस फिल्म के सेट पर करीना कपूर के डिजाइनर विक्रम फडणीस ने बिपाशा बसु की मदद कर दी थी, जिस वजह से करीना को काफी गुस्सा आया और वो काफी नाराज भी हुई। करीना की नाराजगी इस कदर नजर आई कि उन्होंने बिपाशा को काली बिल्ली तक कह डाला। बस फिर क्या था, बिपाशा ने भड़ गई। बिपाशा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि करीना ने जानबूझकर इस मामले को तू देकर राय का पहाड़ बनाया। अगर करीना को डिजाइनर से कोई परेशानी थी तो उसने यूं जानबूझकर मुझे क्यों उस मामले में घसीटा गया। आगे बिपाशा करीना की इस हरकत को बचकाना बताया, साथ ही उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो कभी करीना के साथ दोबारा काम नहीं करेंगी। मगर 2002 में करीना ने इंटरव्यू में कहा था, मुझे लगता है कि बिपाशा को अपना टैलेंट पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने 4 पेज के इंटरव्यू में करीब 3 पेज तक मेरे बारे में ही बात की, जबकि वो अपने काम को लेकर भी बात कर सकती थी। उस वक्त आगे करीना ने भड़कते हुए कहा कि मुझे लगता है कि बिपाशा को अब तक जितनी भी लोकप्रियता मिली है वो अजनबी के सेट पर डिजाइनर विक्रम फडणीस को लेकर मेरे साथ हुए झगड़े से ही मिली है। बता दें कि करीना बिपाशा की कैट फाइट करीब 6 साल तक रही, लेकिन 2008 में करीना ने सारे गिले शिकवे भुलाकर बिपाशा को सैफ अली खान की बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था, तब जाकर दोनों के बीच का झगड़ा खत्म हुआ। हालांकि आज भी इन दोनों को कभी कभार ही एक साथ स्पॉट किया जाता है।